ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मल्ला मगीला आपको इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा था। इसमें आपका टॉपिक था मॉडर्न इसमें आपका प्रयोग चल रहा था वर्ड का प्रयोग। इसमें आप ने कल कई पॉइंटों का अध्ययन किया। आज इसका अगला पॉइंट बीती संभावना प्रकट करने के लिए। बीती संभावना प्रकट करने के लिए जैसे फिलहाल बढ़ गई एबाउट सिक्सटी About 50 20 dead point number 1 प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में नम्रतापूर्वक नम्रतापूर्वक प्रस्ताव अनुमति प्रस्ताव अनुमति तथा इच्छा व्यक्त करने के लिए जैसे वुड यू लाइक our house क्या आप हमारा घर पसंद करेंगे। ये वाक्य आपके सामने बताए गए थे। ये सभी वाक्य आपके द्वारा किए जा चुके हैं। अब आपके अगला पॉइंट अगले पॉइंट में आप प्रयोग करेंगे करेंगे आप विल का प्रयोग। विल का प्रयोग इसमें आपको नोट देना है। व्यक्तियों पर व्यक्ति तौर पर व्यक्ति का क्या व्यक्ति तौर पर नियंत्रित किए जा सकने वाला व्यक्तिगत तौर पर नियंत्रित किए जा सकने वाला कोई तत्व
जब वाक्य में उपस्थित नहीं होता है नहीं होता नहीं होता तो वाक्य में वेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप पहला पॉइंट देखेंगे सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश ऑल द ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल विल अटेंड द अटेंड द मीटिंग पॉइंट नंबर दो निवेदन पॉइंट नंबर दो निवेदन विल यू प्लीज हेल्प मी निवेदन में विल यू प्लीज हेल्प मी ऐसी बात है जिनमें हमारा खुद का कोई वाक्य में कुछ नहीं होता ऐसे वाले वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है संभावना। पॉसिबिलिटी जैसे इट विल बी ए स्टॉप अर्थात यह एक ऐसी संभावना है कि तूफान आएगा ऐसी संभावना है कि तूफान आएगा। वाक्य नंबर इसमें 14 पॉइंट लेंगे आप। चौथे पॉइंट में रखेंगे आप आदत। हैबिट हैबिट सदैव अपेक्षा के आधार पर सदैव अपेक्षा के आधार पर जैसे ही विल ही विल टेक ओनली नॉन साइंस
कैसे आदत के आधार पर उसकी उसकी बातें बिना अक्ल की होंगी। वाक्य बिल्कुल ही प्रयुक्त किए गए थे पहला नंबर निवेदन में, ऐसे वाक्यों में प्लीज काइंडली जैसे शब्द आते हैं। दूसरा नंबर था आपका, तीसरा नंबर है पॉसिबिलिटी, संभावना में ऐसी संभावना जो अपने हाथ में निश्चित नहीं होती है, इसका तूफान आएगा ऐसी संभावना लगाई जा रही है। तीसरा आदत, ये हमेशा व्यक्ति की आदत के ऊपर अर्थात पहले से ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो अपेक्षा जब भी वाक्य में होगा तो वहां पर वाक्य में हमेशा ही विल का प्रयोग किया जाएगा। ये ऐसे वाक्य थे जो व्यक्तिगत तौर पर नहीं होते थे अंकुश में। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ अंकुश दिखाया जाता है, और जब अंकुश दिखाया जाता है तो अंकुश की स्थिति में वाक्य थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे अपन, विल का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब वाक्य में निम्न स्थितियां आती हैं, अर्थात विल का प्रयोग कर्ता आई और वी होने पर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक वायदा, प्रॉमिस। आई विल ए कंपनी, आई विल ए कंपनी यू टू जयपुर। आई करता आ गया, आई करता आने पर व्यक्तिगत बातें आ गई और इसमें लिखा है मैं वायदा करता हूं कि तुम्हारे साथ जयपुर जाऊंगा। इस वाक्य में स्वयं का भी व्यक्तिगत तौर से भी आपका कुछ योगदान है। यदि वाक्य में व्यक्तिगत रूप से किया गया कोई वायदा, काफी ऐसी चीजें हैं तो इनके साथ हमेशा ही विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लेंगे आप दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। वी विल फाइट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस उसका अर्थ करेंगे हम निश्चित रूप से
अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। पॉइंट नंबर सी, धमकी। सी सी एच आर, सी एच आर ई ए टी, धमकी। धमकी में आप लिखेंगे आई विल अरेस्ट यू, या धमकी या चेतावनी। वाह, आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। और डी पॉइंट इसमें था इच्छा या सहमति। Willingness. Willingness. I will join. I will join the army. After two years, आप लगभग मॉडल के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। आप अभी तक छठ प्रकार के वाक्य शब्दों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। आपका अगला पॉइंट उसका प्रयोग, सेल का प्रयोग। सेल का सेल का प्रयोग वाक्य पहले से पढ़ लिख देंगे। कर्ता आई वह भी को छोड़कर, को छोड़कर से कर्ताओं के साथ, ये सेम टू सेम हिंदी तरह प्रयोग किया जाता है। यहां पर पहला था पॉइंट वायदा, प्रॉमिस। वहां भी आपको किया गया था, जैसे यू शैल गेट ए प्राइज, यू शैल गेट ए प्राइज फॉर योर एक्स्ट्रा, फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ब्रेवरी
इसका मतलब हुआ वायदा किया जाता है वायदा किया जाता है तुम्हारी इस असाधारण बहादुरी असाधारण बहादुरी के लिए तुमको इनाम मिलेगा। पॉइंट नंबर दो, आज्ञा कमांड धमकी जैसे ही सेल ही सेल बी पनिश्ड पनिश्ड इफ इफ ही डजंट doesn't behave himself point number 3 kanuni note kanuni note कानूनी नोटिस कार्यालय की व्यवस्था व्यवस्था व्यक्त करने में इसका भी आप देखिएगा फ्रेश पेपर फ्रेश पेपर सेल भी फ्रेश TRESCE प्रेशर प्रेस प्रेशर सेल भी पनिश अर्थात बिना अनुमति के बिना अनुमति के घुसने पर दंडित किए जाएंगे। ये सभी वाक्य लगभग उसी प्रकार के वाक्य थे जैसे विल का प्रयोग किया गया था। आपको इन सभी वाक्यों को उसी प्रकार से करना है बेल वाले वाक्य की तरह। और अब ऐसे पॉइंट जो आपको पहला पॉइंट था आई भी आई करता आई और वी के साथ
आयरवी के साथ पहला प्रस्ताव करने अथवा परामर्श, प्रस्ताव अथवा परामर्श। प्रस्ताव या परामर्श के लिए पहला ही कॉल इन, शैल आई कॉल हिम द डॉक्टर फॉर यू। क्या मैं आपके लिए चिकित्सक बुलाऊं? पॉइंट नंबर सेकंड, उसका एक और देख लीजिएगा। पॉइंट सिक्सटा दूसरा था पक्का इरादा, पक्का इरादा। जैसे आई सेल, आई सेल हेल्प अस, तो दोस्तों लगभग आपका ये पॉइंट लगभग क्लियर था। एक अभ्यास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और आवश्यक रूप से इन्हें पढ़िएगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपको लाभ मिल सके। निश्चित रूप से आप थोड़ा इनका अध्ययन कीजिएगा, जितनी वीडियो चल रही है आपको प्रवेश करने के लिए, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आपको प्रवेश करने के लिए, कृपया आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा और थोड़ा लाभ जरूर उठाइएगा। उसके बाद जब आपकी क्लासें शुरू होंगी तब आपसे फेस टू फेस बातें होकर के फिर जो आपको कुछ समझ नहीं आई है उन सभी चीज़ों को आपको समझाया जाएगा। तो अच्छी उम्मीद यही है इसी आशा के साथ कि आप इन्हें अवश्य देखेंगे। धन्यवाद।